देखिए बहुत सी बातों को लेकर के है, लेकिन आई थिंक ये ट्रिगर पॉइंट कल जो ब्रुटैलिटी हुई है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह छात्रों को मारा है और बहुत समय से JNU में कर रहे हैं, आज DU में किया है, AMU में किया है, ये गलत है। प्रोटेस्ट करने का हक है स्टूडेंट्स को और सही मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, एक्ट बना दिया गया है अभी से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है, गलत है, इस देश को बांटने की कोशिश है। सर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वायलेंट हो गए थे इसके मद्देनजर। जी नहीं, कहीं कोई प्रूफ नहीं मिला है, सिर्फ अफवाहें हैं। कौन सा वीडियो है जहां पर स्टूडेंट वायलेंस करते हुए दिखे? जो मीडिया रिपोर्ट कर रहे थे वहां पे उनको मीडिया पर आप भरोसा करते हैं? उनसे बदसलूकी की गई है बगैर मीडिया से भी बदसलूकी की गई है। BBC की एक रिपोर्टर का बयान था, उसका कैमरा छीन लिया, तोड़ दिया। सो आप लोग तय करिए, मीडिया तय करें कि आप किस तरफ हैं। बहुत देर से तो उधर हैं, अब वक्त आ गया है इधर आ जाए। आज हम स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, सब सिविल सोसाइटीज से यहाँ पे जमा हुए हैं। हम जमिया के स्टूडेंट्स के साथ में, जिनके साथ कड़ी बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने बर्ताव किया है, लोगों को मारा है, उनको पुलिस मेडिकल एड नहीं दी है, उनको रात रात पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है, उनकी सॉलिडारिटी के साथ हम यहाँ पे जमा हुए हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग स्टूडेंट विंग से, अलग अलग सिविल सोसाइटी से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। जमिया में जो हुआ है वो सरासर गलत है, पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, CAB को वापस लेना चाहिए। हम इस मुद्दे पे यहाँ पे जमा हुए हैं। NRC और CAB की अगर मैं बात करूँ तो NRC CAB पे क्या स्टैंड है? CAB और NRC एक गलत चीज़ है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। हम इंसान तो रह सकते हैं, हमने 370 कर दिया, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, इंसान को इंसान से अलग करेंगे? अभी हम लोग हिंदू को मुस्लिम से अलग कर रहे हैं, हम दरार बांटने की बात कर रहे हैं, इंसान को इंसान से गलत करने की बात मत करिए। ह्यूमन राइट्स थोड़ा दिल में अपने एक दर्द रखिए। हम एक जो आदमी यहाँ पर रह रहा है उसको कब कौन से साल का डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये हम नहीं हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता है और पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसान इस बात को हाँ नहीं बोलेगा। इसलिए CAB के खिलाफ, NRC के खिलाफ अलग अलग जातियों के, कम्युनिटियों के लोग इंडिया में उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ। हमारा कहना यही है कि जो देश में जो NRC और कैब जो मंजूर हुआ है, जो फिगर के अपने इस दम पे जो मोदी और शाह ने जो मंजूर दी है, हम उसके खिलाफ। ये जो बिल है ये संविधान को टुकड़े करने वाली बिल है, लोगों को इक्वालिटी के बाहर रखने वाली बिल है, इस संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 14, 15, 21 इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं रह सकता। उसके बाद जो बच्चे पूर्व भारत में सब यूनिवर्सिटी बंद है, अपने आंदोलन चला रहे हैं, उनको जिस तरफ से कल लाठीचार्ज किया, घुस के मारा है, हम उसके कड़ी निंदा करते हैं। जी, मैं जामिया की बात करूँगा। जामिया पर जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता देखी गई, वहाँ पे सीधा सीधा हिटलर शाही के तौर पे उन लोगों ने जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मारपीट, हम उस हिटलर शाही के खिलाफ आज खड़े हैं। तो ये है हिटलर शाही इस देश में नहीं चलेगी। आज आपके पास फिगर है, आपके पास सत्ता, इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन जब जब युवा देश के बाहर निकला है तब यहाँ पे एक इतिहास हुआ है। जी। हम यही कहना चाहेंगे, हम स्टूडेंट है, हम यहाँ के युवा है, हमारे यहाँ बात रखना चाहिए। हम तो यह सब देश के खिलाफ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये सब हो रहा है, तो बच्चे अपने बात रखने के लिए जो संविधान ने अधिकार दिया है उस संविधान को तो आप सोच लीजिए। हम संविधान के बाहर तो आज जाके हम हिंसा नहीं कर रहे हो, हिंसा करने वाले आप हो, आपके पुलिस हम पे लाठीचार्ज कर रही है, हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कौन सी राजनीति आ रही है? जिस युवा के दम पे आपने सरकार लाई हो उस युवा को आज आप मार रहे हो, जला रहे हो, कितने तो बच्चे उसमें शहीद हो रहे हैं। क्या कौन सी डेमोक्रेटी आप चाहना चाहते हो? हिंदुस्तान के लिए भारत जल रहा है हमारा, आपको हिंदुस्तान निर्मिति करनी, इसलिए हमारे भारत को आप जला रहे हो। हमारे बहनें वहाँ पे फूट फूट के रो रहे हैं, आपने लाइब्रेरी में, रेडियो हॉस्टल में घुस के उनको मारा पीटा है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये मोदी शाह को चाहिए अपना RSS का एजेंडा लेके आने के लिए। आप बच्चों को मार रहे हो, देश को जला रहे हो, आप देश को तोड़ने वाले लोग हो, हम जो दो देश के जुड़ने वाले लोगों के खिलाफ आप ऐसा आंदोलन कर रहे हो, ऐसा आप सचिन जी आपको लगता है कि संविधान के साथ में साफ साफ खिलवाड़ किया जा रहा है?
और मीडिया, कई एक मीडिया भी, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जिस दिन उन्होंने संविधान की शपथ ली, उनके हाथ छुए, उसी दिन पता चला कि देश को जलाने वाले, आज वही हो रहा है देश में। देश को जलाने के लिए सरकार आई है और वही काम कर रही है, पिछले दरवाजे से कभी आगे के दरवाजे से आके संविधान के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। इस देश के युवा कभी भी ये होने नहीं। जी, गोदी मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम गोदी मीडिया के बारे में बात करें, कल रात भर दिल्ली में वो चल रहा था, NDTV और कोई सोशल तुम्हारे छोटे चैनल दिखा रहे थे, बाकी जो बड़े चैनल एबीपी माझा जी न्यूज़ वो सब चुप बैठे थे, वो मोदी और शाह के इंटरव्यू दिखा रहे थे। ये किस बात की आप मीडिया हो? आप देश के लोकशाही के आप ही हिस्से हो, आपको दिखाना चाहिए सच में क्या चल रहा है, ये नहीं कहो होना चाहिए। मीडिया भी हमारे भाई लोग हैं, आप दिखाओ, तुम्हारे भाई लोग मार खा रहे हैं यहाँ पे, सब दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? मीडिया भी अगर ऐसी फैसिलिटी करने जा रही है तो देश किस रास्ते पे जा रहा है, कौन सा डेमोक्रेसी पे जा रहा है? मैं वो सब चीज़ों की कड़ी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ, जामिया और दिल्ली के बच्चों के साथ में हम खड़े हैं। थैंक यू। मैम ये बताइए, आज जो यहाँ पे कई सारे छात्र संगठन इकट्ठा हुए हैं, किन किन चीज़ों का विरोध किया जा रहा है? सबसे पहले द प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द फैक्ट कि जामिया स्टूडेंट्स पे अटैक किए गए हैं, दे वर इनोसेंट स्टूडेंट्स, इट्स इलीगल, इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू एनीथिंग लाइक दैट। सेकेंडली आज भी ड्यू लखनऊ हर जगह स्टूडेंट्स को ऐसे मारा जा रहा है एज इफ दे आर क्रिमिनल्स, दे आर बीइंग डिटेन्ड इन जेल्स फॉर जस्ट प्रोटेस्टिंग पीसफुली। इट्स लीगल, इट्स आर राइट टू स्पीच, इट्स आर फ्रीडम टू स्पीक अप अगेंस्ट व्हाट्स हैपनिंग। वी से दैट कैब शुड नॉट बी देयर, द सिटीजन अमेंडमेंट बिल इज नॉट राइट, NRC इज नॉट राइट, व्हाट मोदी एंड अमित शाह इज डूइंग इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली रॉन्ग, एंड वी आर प्रोटेस्टिंग जस्ट अगेंस्ट दैट। एंड इवन इफ यू आर प्रोटेस्टिंग एंड इवन इफ दे डोंट वॉन्ट अस टू प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट हिट स्टूडेंट्स। उन्होंने कैंपस के अंदर दे वैंडलाइज एन एंटायर मॉस्क इनसाइड जामिया, उन्होंने स्टूडेंट्स को मारा है, देर आर पीपल हु डाइड, देर वॉज ओपन फायरिंग यस्टरडे, सो हाउ इज दैट फेयर, हाउ इज दैट लीगल ऑन एनी बेसिस? एंड दैट इज व्हाट टुडेज प्रोटेस्ट इज अबाउट। वी विल बी हियर, यू वांट हिट अस गो ऑन, बट आई एम हिंदू, आई एम नॉट मुस्लिम, बट आई विल स्टैंड फॉर माई मुस्लिम फ्रेंड्स एंड माई एनी वन हु बिलोंग्स टू इंडिया हु इज मुस्लिम, बिकॉज दे हैव अ राइट टू लिव, दे नीड टू अंडरस्टैंड। ये समझना पड़ेगा हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल। मैम आपका नाम बताइए और किस संगठन से आप जुड़ी हुई हैं या किस कॉलेज से आप जुड़ी हुई हैं? माय नेम इज मलिका छाबरा, मैं KC कॉलेज से हूँ बॉम्बे, आई एम अ मीडिया स्टूडेंट एंड आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम जस्ट हियर फॉर जस्टिस। मैम ये बताइए, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है कि पुलिस खुद आग लगा रही है गाड़ियों को, उसके बाद में इल्जाम स्टूडेंटों पे लगाया गया, आप क्या बोलना चाहिए? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनसे उनके पास एक रीज़न मिल जाता है लोगों में लाठी चार्ज और टीयर गैस छोड़ने का, बिकॉज अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट में आप लाठी चार्ज करोगे दैट इज कम्प्लीटली इलीगल, बट इफ़ यू से दैट द प्रोटेस्ट वॉज वायलेंट देन यू कैन डू लाठी चार्ज एंड टीयर गैस, दैट्स वाई दे आर डूइंग, बट फॉल्सली अक्यूजिंग पीपल ऑफ क्रिएटिंग वायलेंस इज ऑल्सो इलीगल। सो पुलिस इट्स लाइक गुंडागर्दी, नथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल, नथिंग इज लीगल एनी मोर। सर ये जो कानून लाया गया हिंदुस्तान में जी, NRC कैब, उसके बाद में जामिया के स्टूडेंट्स के साथ में ऐसी पुलिस की बर्बरता, जैसे कि कोई अपराधी है इस तरीके से उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, टीयर गैस फेंका जा रहा है उन पर, आप इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इस मामले को इस नज़र से देखता हूँ कि ये आज़ाद देश है जी, जहाँ पर सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए और उन सारे धर्मों में सारे धर्म शामिल हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और धर्म हो, तो अगर सबको समान अधिकार है तो फिर एक धर्म के साथ जाति क्यों? और स्टूडेंट्स को जो टारगेट किया जा रहा है या जो स्टूडेंट्स साथ जो भी हो रहा है उसको अभी तक उसकी इंक्वायरी ही चल रही है कि वो क्या हो रहा है। कल मैंने कुछ फुटेज देखा जिसमें पुलिस वाले खुद टू व्हीलर्स को तोड़ रहे थे, तो पता नहीं ये कौन भड़का रहा है, ये असामाजिक तत्व है या कौन है, क्योंकि स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो किसी धर्म के नहीं है, वो तो एक कम्युनिटी है पूरी स्टूडेंट्स की, तो उस कम्युनिटी को तो एक साथ होना ही चाहिए, और अगर स्टूडेंट एक साथ हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ मांगी जा सकती है। सर सरकार की नीतियों को आप किस नज़र से देख रहे हैं कि धारा 370 और 35A आ गया, धारा 370 हो गया, उसके बाद में NRC आ गया, उसके बाद में कैब आ गया, ये कानून जो लाए जा रहे हैं अब, ये क्रम वाइज जो चेंज सिस्टम बना रखी है इन्होंने, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? सरकार की नीयत को क्या सोच रहे हैं? मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि कोई भी जो पार्टी आती है सरकार में उसकी अपनी एक नीयत होती है और अपनी एक नीति होती है, बिल्कुल उस नीति के हिसाब से वो काम करती है,
और उसकी नीतियों से जाहिर होता है कि वो सरकार की क्या नीयत है। तो इस सरकार की नीति क्या है, ये सरकार की नीयत क्या है, वो इनकी नीतियों से जाहिर हो रहा है। जी, थैंक यू। थैंक यू।